राजधानी के एल्बर्ट एक्का चौक की है। और यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में लोग जो है पहुँचे हुए हैं और सरहुल का जो पर्व है उसे मना रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सरहुल का जो उत्साह है वह लोगों में देखने को मिल रहा है। और मौके पर जो समिति के लोग हैं, आदिवासी समाज के जो प्रमुख जन लोग हैं, वो सभी लोगों का स्वागत करने के लिए मंच पर आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो तस्वीर है वह तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आज हजारों और लाखों की भी कही जाए तो कम नहीं होगी, क्योंकि ये नज़ारा शहर के विभिन्न जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। सभी क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर पहुँच कर सरहुल का जो जुलूस है उसमें शामिल होकर सभी यहाँ से सीरम टोली जो मेन सरना स्थल है, जो मुख्य सरना स्थल है, वहाँ पर जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो तस्वीर है वह तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीर है। ये जो भव्य भीड़ है महिलाओं के पुरुष की, वो सभी भीड़ सरना स्थल सीरम टोली के लिए रवाना होगी। तो ये तस्वीर में महिलाएं पुरुष पारंपरिक परिधानों में पहुंचे हुए हैं और अपना जो ये पर्व है इनका अपना पारंपरिक पर्व वो पर्व और मौके पर जो है पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री केंद्र मंत्री सुबोध कांत सहाय जी भी हम उनसे पूछेंगे। सर क्या कहेंगे सर? सुबोध कांत सहाय जो रांची के पूर्व सांसद भी हैं, सर किस तरह से कितना अच्छा है ये? मैं समझता हूँ कि इतना खूबसूरत जिसमें लोग सज धज करके और प्रकृति की पूजा के लिए बाले बच्चे निकले हुए हैं, इससे बढ़िया और कोई दूसरा पर्व नहीं हो सकता। ये जंगल पहाड़ नदी नाला की पूजा करते हैं। प्रकृति का प्रकोप ही सबसे बड़ा समस्या है दुनिया के लिए, लेकिन ये देखिए ये उसके प्रेमी हैं, उसके पुजारी हैं, हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए जो सांसद थे, पूर्व सांसद थे रांची के, वह यहाँ पर मौजूद है और लोगों का स्वागत कर रहे हैं। और वर्तमान सांसद जो संजय सेठ हैं, उन्होंने भी एक पब्लिक के लिए मैसेज दिया है सोशल साइट के माध्यम से और उन्होंने भी लोगों को सरहुल की बधाई दी है। और जो पूर्व सांसद है सुबोध कांत सहाय, वह अभी लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर राजधानी रांची के फिरायलाल चौक की है और सरहुल का जो पर्व है प्रकृति का पर्व है और महिलाएं देखिए लाल पहाड़ की जो साड़ी है उसमें किस तरह से नृत्य करते हुए पहुंच रही हैं और जुलूस में शामिल हो रही हैं। तो ये तस्वीर राजधानी रांची में सरहुल के मौके पर देखने को मिलता है। देखिए ये प्रकृति का पर्व है और प्रकृति के पर्व का जो पूजा की जाती है कि किस तरह से लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं वो इस पर्व के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पूजा में लोग आए हैं। क्या कहिएगा, कितना एंजॉय कर रहे हैं आज इस पर्व में? काफ़ी खुश है, काफ़ी परिवार के साथ पहुँचे हैं और प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो प्रशासन की जो यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था है, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, उनको भी इंतजाम किए गए हैं। वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं, समिति के जो वॉलंटियर्स हैं वह भी हैं। तो प्रशासन किस तरह से लगातार जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको भी बना कर रखना है और सारे जुलूस जो हैं, सारे शहर के जुलूस राजधानी रांची से के एल्बर्ट एक्का चौक जो हृदय माना जाता है उस चौक के से होते हुए सीरम टोली जाती है। चौक बनाया जा रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं और क्या कहेंगे इस मौके पर? ये सीरम टोली के लिए सभी जाएंगे और आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ से होते हुए निकलेंगे और जो पूरा व्यवस्था है वो व्यवस्था किया गया है। तो ये तस्वीरें राजधानी के फिरायलाल चौक की है और एल्बर्ट एक्का चौक से कहते हैं वहाँ की है और लोग जो है जुलूस में शामिल हो रहे हैं। और यह जो पर्व है यह पर्व काफ़ी प्रकृति के लिए पूजा जाता है और इसमें लोग प्रकृति का पूजा करते हैं और बताते हैं कि मनुष्य के लिए, इंसान के लिए प्रकृति कितना जरूरी है। बिना प्रकृति के सहयोग से इंसान का जीवन नहीं चल सकता है। अपने
अपने सहयोगी कलाकारों के साथ राजकुमार चौधरी, ईटीवी भारत, रांची।